बैक टू माय चैनल, आई एम आशिका। आज की न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला मेकअप अच्छा लग रहा है तो ये मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज जाके इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि आपको इस पे अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ एक पर्पल हॉल। पर्पल से मैंने कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मंगाए थे और एक हेयर केयर का प्रोडक्ट मंगाया था, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने हेयर केयर के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने सिर्फ एक ही मंगाया है, जो कि है ये गुड वाइब्स का अनियन शैम्पू। ये आपको कैरेटीन के साथ मिलता है और इसके रिव्यूज मैंने बहुत पढ़े थे, काफी अच्छा लगा मुझे रिव्यूज के हिसाब से, तो मैं इसको अपने लिए ट्राई करने के लिए मैंने इसको मंगाया है। ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, आपको जैसे कि सबको पता है अनियन आपके हेयर के लिए कितना अच्छा होता है, तो मैं इसको ट्राई करूंगी, तो इसका रिव्यू मेरे चैनल पे जरूर आएगा। अगर आप लोगों ने मेरे बाकी के पर्पल हॉल्स नहीं देखे हैं तो भी आप उनको जाके देख कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मंगाया है गुड वाइब्स का रोज टोनर, काफी अच्छे वाला ग्लो टोनर है ये। मैंने इसके अंदर, ये मेरा रोज वाले का थर्ड बॉटल है, मैंने इसका पॉमीग्रेनेट, कुकुम्बर, मलबरी ये सब ट्राई कर लिए हैं। मैंने दोबारा से रोज वाला ट्राई करने के लिए मंगाया, काफी अच्छे वाला टोनर है। टोनर अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है आपके स्किन के लिए। गुड वाइब्स का पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश, काफी ही अच्छे वाला फेस वॉश है। अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे तो आप जरूर पहले इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही माइल्ड है और पपाया आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, ब्राइटन अप करता है, जो कि ये ब्राइटनिंग फेस वॉश तो है ही। मैंने इसको काफी बार यूज किया, ये मेरी दूसरी या तीसरी बॉटल है, काफी अच्छे वाला है, तो आप इसको जरूर परचेज कीजिएगा। लिंक आपको सभी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास बायोटिक एडवांस की, मेरा सबसे फेवरेट वाला प्रोडक्ट, जो कि है बायोफूड वाली लिप बाम। मैं इसको कितनी बार मंगा चुकी हूँ, ये मेरे को बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मेरी काफी वीडियोस के अंदर मैं इसको इसी को यूज करती हूँ और कोई लिप बम यूज नहीं करती, तो आप इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। जो है वो है ये गुड वाइब्स का रोजिप सीरम, काफी अच्छे वाला सीरम है ये। आपकी स्किन को रेडियंट प्रोवाइड करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को सपल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और काफी स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, तो इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। ये इसकी 30 ml वाली क्वांटिटी है, आपको ये 10 ml के अंदर भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है गुड वाइब्स का ये पॉमीग्रेनेट ब्राइटनिंग स्क्रब, काफी अच्छे वाला स्क्रब है। मैं इसको एक दो बार यूज कर चुकी हूँ, शायद वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने इसको यूज करा था, अगर नहीं है तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को ले आऊंगी, तो आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी अच्छे वाला स्क्रब है आपके फेस के अंदर, आपके फेस की स्किन को जो है ब्राइट कर देता है, ग्लो कर देता है, ग्लो प्रोवाइड कर देता है, और इसके अंदर जो इसके स्क्रबिंग पार्टिकल्स है वो इतने हार्श नहीं करते आपकी स्किन को, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको जेंटली आप जब अपने फेस में मसाज करते हो तो अच्छे से आपके इस फेस पे स्क्रबिंग हो जाती है। वो है ये एल्फ गुडनेस का सैफरन स्किन ग्लो सीरम। ये मैंने मेरे पिछले मेकअप लुक के अंदर आप लोगों को दिखाया था, मैंने इसको अभी अभी कुछ दिनों से ट्राई करना शुरू किया है, बट मेरे को ये अच्छा लग रहा है आपके स्किन के ऊपर, आपको एक अच्छा सा ग्लो देखने को मिलता है, आपकी स्किन जो है वो टाइटन लगती है, तो ये काफी अच्छे वाला है। ये आपके ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करता है, आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को टाइटनिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है, और ये काफी अच्छा है एकदम। इसका जो टेक्सचर है वो काफी वाटरी है, ऑयली नहीं है, तो इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको यूज करना है नहीं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड लास्ट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ये है बाउ स्किन साइंस का उपटन फॉर्मिंग फेस वॉश विद बिल्ड इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लींजिंग। काफी ही अच्छे वाला उपटन फेस वॉश है, मैंने मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश भी यूज करा है, वो भी काफी अच्छे वाला है, और ये भी काफी अच्छा आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करके एकदम अच्छे से क्लीन कर देता है। और हम डेली स्क्रबिंग नहीं कर सकते तो इस फेस वॉश के अंदर आपको एक इनबिल्ट फेस ब्रश मिल जाता है, जो कि सिलिकॉन के इसके ब्रिसल्स हैं। आप इसको यूज, आपका प्रोडक्ट है वो सारा ऐसा रहता है, उससे आप इसको फेस को ऐसे क्लीन कर सकते हैं, तो आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर देता है, अच्छे से आपका डर्ट भी क्लीन हो जाता है, और आपके फेस पे ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है सैंडलवुड ऑयल, रोज वाटर, एलमंड एक्सट्रैक्ट, सैफरन, टर्मरिक, जो कि आपके स्किन के लिए ये सारे ही चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसको जरूर ट्राई। लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर हाइड्रेशन, काफी ही अच्छे वाला, मैंने इसके रिव्यूज चेक करे थे, काफी अच्छा है। वैसे मैं इसको पॉन्ड्स के दूसरे वाले मॉइस्चराइजर मैंने यूज किए हैं, अब मैं इसको यूज करूंगी और इसका भी रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा, मेरे किसी मेकअप लुक के अंदर मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। सो गाइस, यही था मेरे पर्पल हॉल, जो मैंने की पर्पल से परचेज किए थे प्रोडक्ट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।